लगे। आ, हा, हा, हा,
न जाने ये शब्द कहां से आया, लेकिन जहां से भी आया बहुत अच्छा आया। पति पत्नी के जीवन में यही एक रोमांचक टाइम होता है। क्यों वर्षा, कितने मिडिल क्लास ख्याल है तुम्हारे। अरे मिडिल क्लास आदमी हूं तो मिडिल क्लास ख्याल ही होंगे ना। 2 हफ्ते बीत गए हमें हनीमून पे, आज हमारा आखिरी दिन है और सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अब मुंबई जाके फिर वही स्ट्रगल। ये बात अच्छी है कि हमें वहां लकीली फ्लैट तो मिल गया। क्या फ्लैट मिल गया? एस्टेट एजेंट से मेरी बात हुई थी और उस मकान मालिक से भी। क्या नाम था उसका? मल्होत्रा। कुछ 1000 स्क्वायर फीट का घर है। ओह, मतलब लीव एंड लाइसेंस पर है, वो भी 11 महीने के लिए। तो तुम क्या घर खरीदने की सोच रही हो? नहीं, पर घर अच्छा तो है ना। अरे वर्षा, अच्छा? अरे वर्सोवा में रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, ये सब वही रहती हैं। और क्या? और वो शाहरुख और सलमान कहाँ रहते हैं? अभी से शाहरुख सलमान से कह लेना, बैंड्रा में रहते हैं। तो फिर बैंड्रा में घर लेते हैं। हेलो, हाँ मल्होत्रा जी, जी बस पहुँच ही गए हम लोग, वर्सोवा में ही। कौन था? अरे वही अपना लैंडलॉर्ड, घर के बाहर वेट कर रहा है। वो घर के बाहर वेट क्यों कर रहा है? अब मुझे क्या मालूम बच्चा। अरे भैया जल्दी चलो। दादी ने आज मेरे को करनी नहीं थी। देखा कितने पुराने जमाने की है। ओ स्टॉप क्रिबिंग वर्षा, तुम बटन दबाओ, ऊपर से बुलाओ लिफ्ट को। लगता है किसी ने दरवाजा ऊपर खुला रखा हुआ है। क्या, एक मिनट। ओ हेलो मल्होत्रा जी। ओ मल्होत्रा जी, अरे कोई लिफ्ट तो बंद करो भाई। अरे यार हेलो, क्या झकास बिल्डिंग है ना। तुम्हें पता इस बिल्डिंग के बारे में एक अफवाह है। अफवाह? क्या अफवाह? कि यहाँ भूत भूत हैं? Exactly. लड़की हो मगर समझदार हो। तुम्हारा ये मेल शॉविनिस्ट एटीट्यूड ना जाएगा नहीं। Of course, why should it go? Sick. Anyways, क्या अफवाह है भूत की? अरे अच्छा है ना, जो भी हमारे लिए अच्छा है। इतने सारे फ्लैट इस बिल्डिंग में, फिर भी कोई रहने के लिए आया नहीं, इसलिए तो सस्ते में फ्लैट मिल गया मैडम। हाँ, राइट। सुनो, तुम डरवर तो नहीं गई ना? बुलशिट, तुमने ओमन पिक्चर देखी थी? ओमेन पिक्चर, वो भूत की पिक्चर? हाँ 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 हाँ, मैंने भी देखी थी बचपन में अकेले मेट्रो थिएटर में। ओमेन पिक्चर बचपन में? जी हाँ। वो भी अकेले में? हाँ जी। वो तो एडल्ट फिल्म थी ना? हाँ, पर मैंने डोर कीपर को पटा लिया था, वो फुल लट्टू था मुझ पर। ओ अच्छा अच्छा, तो डोर कीपर को पटा लिया था, तो आपने उससे शादी क्यों नहीं कर ली? क्योंकि एक ही शो था। ओ एक ही शो था। मेरे सामने बचपन में क्या देखा था तुमने? ओमेन थिएटर में, मेट्रो में। अरे एक छिपकली से डर गई तुम मैडम। यू नो सुधीर, मैं सिर्फ छिपकली से डरती हूँ। बाकी मेरे सामने शेर आ जाए, गिद्ध आ जाए या कुछ भी आ जाए, मैं नहीं डरती। अच्छा? हाँ ऐसा होता है ना। हाँ? देखो नेपोलियन फ्रेंच आर्मी का जनरल, लेकिन बिल्ली से डरता था। ओह, अब इस ओ का क्या मतलब है? अब ओ का क्या मतलब होगा? ओ का मतलब ओ? तुम मेरी खींच रहे हो? अब हमारी क्या मजाल मैडम, जो हम आपकी खींचे, गुलाम जो रहे आपके। अच्छा, गुलाम हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो हमारा एक हुक्म है। अरे सर आंखों पर, हुक्म करिए। हम कुछ थक गए हैं, इसलिए हमें गोद में उठा लिया जाए और मैडम इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। ये उस तुम्हारे उस बिल्ली से डरने वाले नेपोलियन ने कहा था। अब चले। चलो। वैसे वर्षा वर्षा, हनीमून के बाद काफी भारी हो गई हो तुम। ओह रियली? वैसे मैं तुम्हारा ये बोझ कम करवा सकती हूँ। वो कैसे? व्हाई डोंट यू जस्ट कीप किसिंग मी एज़ वी गो अप?
Not a bad idea. Come on, your time starts now. Mr. Malhotra, I'm sorry. You're Sudhir. Yeah. Hi. I'm sorry, Mr. Malhotra. Please don't mind. Actually, meri biwi kuch romantic kisam ki. I know it's embarrassing, but I'm sorry. Love marriage. Yeah. Kamal hai. शादी के बाद भी प्यार बाकी है. सरप्राइजिंग नहीं जी. बहुत इंतजार करवाया. वी आर रियली वेरी सॉरी मिस्टर मल्होत्रा. एक्चुअली फ्लाइट थोड़ी डिलेट थी. एज यूजुअल ट्रैफिक भी होगा. आई कैन अंडरस्टैंड. आप बाहर क्यों रुके हुए हैं? चाबी थी आपके पास, अंदर भी रुक सकते थे. नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता. मैं अंदर नहीं जा सकता. डर लगता है मुझे. डर? किस चीज का डर? यादें, मेमोरीज बहुत सताती है मुझे. तकलीफ होती है मुझे. कैसी यादें मिस्टर मल्होत्रा? तुम्हें चेस खेलना आता है मिस्टर सुधीर? व्हाट? चेस, शतरंज खेलना आता है तुम्हें? चेस खेलना आता है पर तुम्हें खेलना आता है मिसेज वर्षा? वेल, आता तो है. एक्चुअली मैं और सुधीर अंदर चले. हाँ, मैंने कहा अंदर चलकर घर देख लें. हाँ, लेट्स गो. नाइस. नाइस होम मिस्टर मल्होत्रा. विराट, तुम मुझे विराट कह सकते हो सुधीर. इंटरेस्टिंग नेम. एक्चुअली एक इंडियन नेवी की शिप का नाम हुआ करता था, INS विराट. एक बेजान सड़ी लाश की तरह. मैं घर देख लूं? ब्रीफकेस नीचे भूल आए हो. ले आओ. वर्षा किचन में. औरत का काम. ब्रीफकेस ले आओ. बहुत अच्छा घर है सुधीर. सुधीर कहाँ है? ब्रीफकेस छूट गया, लेने गया है. आ जाएगा. बाकी के कमरे देख लो. लॉक है. हा? कमरा लॉक है. तो खोलिए ना जरा इसे. नहीं खुल सकता. क्या मतलब? चाबी तो आपके पास है ना? है. अंदर जाने की इजाजत नहीं है. इजाजत नहीं है? What do you mean, Mr. Malhotra? I mean, you're not allowed to go in that room, in simple English. Mr. Malhotra, हमने आपसे ये फ्लैट 11 महीने के भाड़े लिए पे
फरीदा नहीं है। ऐसे क्या देख रही हैं आप मुझे? मिस्टर मल्होत्रा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूं कि ऐसा क्या है इस कमरे में जो आप... यादें, मेमोरीज, ये मेरी बीवी का कमरा हुआ करता था। बहुत खूबसूरत कमरा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इसकी खूबसूरती को बिगाड़ दे। आई होप यू अंडरस्टैंड मिसेस वर्षा। आई डू अंडरस्टैंड, पर आपकी बीवी... बालकनी, बालकनी बहुत खूबसूरत है। समुंदर दिखाई देता है, जाओ देखो ना। अब थैंक यू सो मच मिस्टर मल्होत्रा। एक्चुअली एक्चुअली मैं बैग भूल ही गया था और लिफ्ट भी खराब। वर्षा, तुम तो तुम्हें क्या लगा? सुधीर, ये आदमी थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे। हाँ है, थोड़ा अजीब सा है। थोड़ा नहीं, बहुत अजीब सा है। कोई और घर क्यों नहीं देख लेते? वर्षा, सिर्फ एक ही दिन की तो बात है। एक बार इसके पैसे दे दिए और पेपर साइन कर लिए, फिर एक महीना इसकी शक्ल थोड़ी देखी। हेलो, हाय, हाउ आर यू? Yes, Baba, I'm very happy. Really? Honeymoon was fantastic. अच्छा, वैसे तुम मुंबई कब आ रहे हो? नहीं यार, not possible. सुधीर का ऑफिस भी है, और अकेले कैसे आ सकती हूँ? तुम भी। मिस मल्होत्रा, आ जाओ ना। Actually, पानी तो 24 घंटे आता है ना यहाँ पे? तब तक हमारा घर हो जाएगा। मैं ये पूछ रहा था कि पानी तो 24 घंटे आता है ना? किससे बात कर रही हो? जी, मैंने पूछा तुम्हारी बीवी किससे बात कर रही है। कम ऑन मिस्टर मल्होत्रा, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। धोखा दे रही है तुमको। मिस्टर मल्होत्रा, अपने आशिक से बात कर रही है, बाहर सोती है। मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपसे शराफत से पेश आ रहा हूँ, लेने के आप कुछ भी बोले। किससे बात कर रही तुम? किससे बात कर रही थी तुम? I'm sorry. Sorry? You rascal! What the hell are you up to? What the hell are you up to? I'm sorry. What sorry? You are a bloody mad person. I'm Sala sorry. पागल आदमी है तू. बच्चा, let's move from here. Let's I'm move sorry. from here. I'm sorry. Mr. Malhotra, मुझे मजबूरन पुलिस को फोन करना पड़ेगा. I'm sorry. बच्चा, call the police. Call the police. इसको पुलिस के हवाले करो. Don't call the police, Mrs. Varsha. देखिए मुझे. मुझे कुछ मालूम ही नहीं था कि मैंने क्या किया। You bloody, तूने मेरे को येड़ा समझा क्या? येड़ा समझा मुझे मादर साला। सुधीर, सुधीर, चलो यहाँ से। चलो। चलो यहाँ से। मर्जी आपकी, मैं नहीं रोकूंगा। जाने से पहले मेरी एक बात सुन के जाइए प्लीज। मुझे पता नहीं आज क्या हो गया। दरअसल मैंने अपनी पत्नी माया की शक्ल आपकी आपकी पत्नी में देखी और मैं अपने आपे से बाहर आ गया। माया ने मुझे धोखा दिया। शी बिट्रेड मी, शी बिट्रेड। इसका मतलब तुम किसी भी लड़की में अपनी बीवी को देखोगे और उसका गला दबाओगे? पहली बार। जस्ट मूव। पहली बार। मूव। पहली बार और आखिरी बार। मैं आइंदा यहां नहीं आऊंगा। What do you mean, Mr. Malhotra? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? आप लोग यहीं रहिए,
मुफ्त में। सुनिए ना, सुनिए ना, मुझे तुम्हारा तुम जैसे पागल का एहसान नहीं चाहिए। एहसान नहीं है, मुफ्त में रहना अच्छा लगेगा तो पैसा देना। मैं शर्मिंदा हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ, प्लीज। मल्होत्रा, I don't want to see your face. मैं नहीं दिखाऊंगा। I don't want to see your face. मैं नहीं दिखाऊंगा चेहरा। मैं नहीं दिखाऊंगा चेहरा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अपना अपना संसार बसा लो, ये घर बहुत अच्छा है। वर्षा, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या हमें घर छोड़ दें? पता नहीं, वर्षा। वर्षा, वी लुक फॉर अनदर हाउस। नहीं सुधीर, एक महीना देखते हैं। वर्षा, कम ऑन, आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। मल्होत्रा इज अ ब्लडी मैड पर्सन, पागल आदमी है वो। आज उसने तुम्हारा गला घोटने की कोशिश की, कल वो कुछ भी कर सकता। एक महीने की तो बात है, और फिर क्या? और फिर हमारे हालात भी तो कुछ ऐसे हैं। हालात? हालात बदल जाएंगे वर्षा। एक मिनट सुधीर, ये वायलिन कौन बजा रहा है यहाँ पे? वायलिन जो भी बजा रहा है बहुत अच्छा बजा रहा है, कम से कम हमारा मूड तो बना रहा तुम्हें ऐसा लगता है कि 11 महीने हमारे इस घर में आसानी से कट जाएंगे? हाँ, हम खामखा उस लैंडलॉर्ड के बारे में इतना सोच रहे हैं। एक बार उसे एडवांस रेंट दे दिया कि दोबारा उसकी शक्ल देखने की जरूरत नहीं। एक्चुअली जब हम किसी जगह जाते हैं ना, तो एक फीलिंग सी आती है, क्या कहते हैं उसे, वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस, मुझे इस जगह की वाइब्रेशंस बहुत सही लगी। यू नो सुधीर, जब हम यहाँ अंदर आए, मुझे ऐसा लगा कि जगह हमारे लिए बनी है। अगर ऐसी बात है ना वर्षा, तो देखना इस घर को मैं क्या से क्या बनाता हूँ। आजा आजा सजाए अपना घर आंगन, आजा आजा सजाए अपना घर आंगन। ये दीवारें बोलती हैं, खिड़कियां भी डोलती हैं, डोले जैसे तेरा मेरा मन। आजा आजा सजाए अपना घर आंगन, आजा आजा सजाए अपना घर आंगन। ये दीवारें बोलती हैं, खिड़कियां भी डोलती हैं, डोले जैसे तेरा मेरा मन। आजा आजा सजाए अपना घर आंगन, आजा आजा सजाए अपना घर आंगन। Thank you.
सपना अभी है अधूरा, प्यारा सा मुन्ना होगा तब होगा पूरा। फूलों की कलियों की चादर बिछाएंगे हम दोनों मिलजुल के जीवन बिताएंगे। महके अपने प्यार का चमन, आजा आजा सजाए अपना घर आंगन, आजा आजा सजाए अपना घर आंगन। संसार अपना बहके का हर एक पल प्यार अपना, हाँ, खुशियों भरा होगा संसार अपना बहके का हर एक पल प्यार अपना। गुजरेंगे दिन अपने अब हंसते हंसते, होंगे ना कम अपनी चाहत के रिश्ते, हरदम रहेंगे मगन। आजा आजा सजाए अपना घर आंगन, आजा आजा सजाए अपना घर आंगन। ये दीवारें बोलती है, खिड़कियां भी डोलती है, डोले जैसे तेरा मेरा मन। आजा आजा, आजा सजाए अपना घर आंगन, आजा आजा सजाए अपना घर आंगन। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? सुधीर घर पर नहीं है, आप शाम मुझे को... सुधीर से कोई काम नहीं है, मुझे काम तुमसे है। मुझसे? सुधीर ने ये एग्रीमेंट तुम्हारे नाम करने के लिए कहा था। मेरे नाम पे? लकी समझता होगा, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए फिर कीजिएगा, 5-10 मिनट की तो बात है। आइए बैठिए। घर काफी अच्छा सजाया है, मेरी बीवी भी ऐसे सजाया करती थी। मिस्टर मल्होत्रा, मुझे आपकी बीवी के बारे में कुछ नहीं सुनना है, प्लीज। मुझे मानसिक बीमारी है, मैं एक मनोवैज्ञानिक से भी मिला था, साइकियाट्रिस्ट। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज अ केस ऑफ प्राइमरी डिसोसिएशन रिजल्टिंग इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर, दैट्स इट। यही वजह थी मैंने अपनी पत्नी माया का चेहरा तुम्हारे चेहरे में देखा और तुम पर कातिलाना हमला कर दिया। बट नॉट टू वरी, मेरा इलाज चल रहा है, आई एम गेटिंग बेटर। हाँ, अब अगर कभी माया के बारे में कुछ आपसे बातें करूंगा तो वो माया की खूबसूरत यादें होंगी। डॉक्टर ने मुझसे यही कहा है कि माया की खूबसूरत यादों की जरूर बातें करना, जीना आसान हो जाएगा। आप पढ़िए ना। माया भी तुम्हारी तरह थी खूबसूरत। सिग्नेचर्स कहाँ करने हैं? हर पन्ने पर एक या दो जगह, जहां की है बस उसी के नीचे।
सेक्सी जी, माया की बात कर रहा था, वो भी तुम्हारी तरह खूबसूरत और सेक्सी थी। मिस्टर मल्होत्रा, साइन करके खत्म कीजिए ना, तीन ही तो जगह पे बाकी है, साइन कीजिए। तुम किस किस्म के ब्रा पहनती हो? ब्रा किस किस्म की? फिर वही माया की यादें। आप अभी माया इंपोर्टेड ब्रास पहना करती थी, शौक था उसे। मिस्टर मल्होत्रा देखिए, आपकी बीवी किस किस्म की ब्रा पहनती थी और क्या पहनती थी, मुझे उसे कुछ नहीं लेना। आप तो गुस्सा हो गई। देखिए गुस्सा मत होइए, मैं चलता हूँ। प्लीज, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आखिरी पन्ने पर वो दो सिग्नेचर बचे वो कर दीजिए, मैं चला जाता हूँ। वैसे ये इंपोर्टेड ब्रास के हुक कहाँ होते थे पता ही नहीं चलता था। ये लीजिए। ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता था मैं, अचानक कहीं से वो ब्रा खुल जाता था। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू सून मिसेस वर्षा। आई होप नॉट। वर्षा, तुमने मुझे उसी वक्त फोन क्यों नहीं कर लिया? यू कुड हैव कॉल्ड मी। मुझे कुछ स्ट्राइक ही नहीं हुआ सुधीर, ही वॉज बिहेविंग सो नॉर्मल। आई मीन व्हेन ही केम इनिशियली ही वॉज साउंडिंग सो जेन्युइन, सो हार्मलेस, लेकिन उसके बाद वो जैसे बातें करने लगा ना, गॉड सुधीर, मुझे पता ही नहीं वो क्या चाहता है। वर्षे शायद वो खुद भी नहीं जानता वो चाहता क्या है। मल्होत्रा इज अ साइकिक गाय, ही इज अ मैड मैन। पता है सुधीर, उसके जाने के बाद तुम्हारे आने तक मैंने जो वक्त काटा है ना, वो मैं ही जानती हूँ। कल तुम ऑफिस चले जाओगे और वो फिर से आ गया तो मैं। वर्षा, कल तुम मेरे साथ चलोगी, ओके? और हम साथ में नया घर ढूंढेंगे, नया घर देखेंगे। बट सुधीर। नो बट्स वर्षा, और मैंने अपनी कंपनी के थ्रू हाउसिंग लोन भी अप्लाई कर लिया। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम नाउ। यू मीन हमारा अपना घर होगा? Yes. Our own house? Yeah. Sudhir, you're such a sweetheart. That to I am. Now just relax, go to sleep. हम कल सुबह बात करेंगे. Okay? Good night.
फिर तुम यहां? तुम यहां क्या कर रहे हो? मिस्टर मल्होत्रा, ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। इतनी रात गए आप? आना पड़ता है मुझे यहां माया के साथ चेस खेलने, उसकी ये डायरी पढ़ने, उससे बातें करने। याद है मेमोरीज। मिस्टर मल्होत्रा, क्या बक कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूं, माया की तस्वीर है ये, उसी के साथ चेस खेलता हूं। देखो ना, माया ने दो चाले चल ली है और मैंने भी दो चाले चल ली है, है ना? मिस्टर मल्होत्रा, जो ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था सुधीर, इस कमरे में आने की इजाजत किसी को नहीं है, फिर भी तुम मेरी बात नहीं माने। अब बताओ कि इसकी क्या सजा तुम्हें मिलनी चाहिए? सजा? हाँ, सजा तो मिलेगी, खेल जो किरकिरा कर दिया तुमने मेरा। मिस्टर मल्होत्रा, क्या कर लेंगे आप? क्या कर क्या लेंगे आप? ऊंचे सुर में बात नहीं करना। तो चाहते क्या है आप? अदब से पेश आऊं, झुक के सलाम करूं आपको? ऐसा क्यों करोगे तुम? बस आवाज पर काबू रखो सुधीर, वर्षा जाग जाएगी। वर्षा सुधीर, ये आदमी वर्षा एक नंबर का पागल आदमी है ये। अब इसे पागल खाने भेजो या इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाओ। इतनी रात गई है हमारे घर में, अपनी बीवी की फोटो के सामने बैठकर चेस खेल रही है यहां पे। वन मिनट, यू वॉन्ट टू कॉल द कॉप्स? कॉल द कॉप्स। ओके, कॉल द कॉप्स। क्या कंप्लेन लिखवाओगे तुम लोग मेरे खिलाफ? यही कि तुमने दिन दहाड़े मेरे घर में घुसकर मुझसे बदतमीजी की। ये कंप्लेन तो मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं तुम्हारे खिलाफ मिसेस वर्षा। क्या? मेरे खिलाफ? यही कि जब मैं तुम्हारे घर आया, तुम घर पर अकेली थी, मेरे सामने कम कपड़ों में पेश आई तुम और मुझे सिड्यूस करने की कोशिश की तुमने। यू ब्लडी, गालियां कम पड़ जाएगी सुधीर, आगे तो सुनो, आगे तो मेरी प्लानिंग सुनो। मैंने तुम्हारी बीवी के पच्चलन होने का बेस बना दिया है सुधीर, आप बोलो। यू आर ब्लडी सिक मैन, यू आर ब्लडी एनिमल, साला पागल आदमी है तू। अब मुंह से नहीं चल सकता, हाथ से ही पहचाना। रिलैक्स रिलैक्स, गो बैक, नेवर चार्ज ऑन मी। सुधीर, मैं अपने आप को शूट कर दूंगा। थोड़ा पागल हूं मैं सुधीर। अब ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूं। मैंने तुम्हारे वाइफ के बच्चलन होने की कहानी बना ली है। तुम दोनों की हिस्ट्री मैं जानता हूं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना घर भाड़े पर किसी को भी ऐसे ही दे दूंगा? सेंट मेरी स्कूल में तुम्हारी बीवी पढ़ती थी, प्रिंसिपल का नाम मार्था था, क्लास टीचर का नाम निकोला वास था, SUT कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, स्कूल के 2 और कॉलेज के 5 बॉयफ्रेंड खड़ा कर सकता हूं मैं भाड़े पर। जिंदगी भर केस लड़ते लड़ते सड़ के मर जाओगे तुम लोग, आप बोलो। कंप्लेन करोगे तुम लोग मेरे खिलाफ? अगर कंप्लेन की शूट कर दूंगा तुम दोनों को। आई विल ब्लडी शूट बोथ ऑफ यू, दोनों को शूट कर दूंगा। ऑल ब्लडी शूट बोथ ऑफ। मल्होत्रा, खाली है। आ, 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 आ,
Never. Ever. Charge on me. हमें यहां से निकलना चाहिए। ये आदमी पूरा पागल है। ये क्या है? माया वी मल्होत्रा। वर्षा तुम ये सब छोड़ो, वी शुड मूव फ्रॉम हियर। सुधीर, इट सीम्स टू बी अ पर्सनल डायरी। पर्सनल डायरी? सुधीर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इस आदमी के साथ जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब हमें इसी डायरी में मिलेंगे। हो सकता है। इसमें लिखा क्या है? 31 जनवरी 2005, मेरी शादी को एक महीना पूरा हो गया। शादी के बाद एक लड़की का सिर्फ नाम ही नहीं बदलता, पूरी दुनिया बदल जाती है, उसकी पहचान, उसका अस्तित्व, सब। दरअसल विराट मल्होत्रा से तो दीदी की शादी तय हुई थी, पर ऐन मौके पर वो अपनी प्रेमी के साथ भाग गई और घर की लाज बचाने की खातिर मैं माया वर्मा से माया मल्होत्रा बन गई। विराट मल्होत्रा कुछ अजीब ही किस्म के इंसान थे। रात रात भर शतरंज खेलते रहते, अकेले अपने आप से, और मैं उनका इंतज़ार करती रहती। महीने भर ऐसे ही चलता रहा। उन्होंने इतने दिनों तक मुझसे बात करना तो दूर, अपने खेल से ध्यान हटाकर मेरी तरफ झांक कर भी नहीं देखा। मुझे लगा दीदी के अपने प्रेमी के साथ भाग जाने की सजा वो मुझे दे रहे हैं। मैंने तय किया कि मैं उन्हें जीत कर ही रहूंगी, उनके खेल से उनका ध्यान मेरी तरफ खींच ही लूंगी। मायके से लाई हुई वो पुरानी संदूक इस तरह काम आएगी ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसे खोलकर उसमें से घुंघरू बाहर निकाले और कितनी यादें ताज़ा हो गई। एक समय था जब मैं इन्हें पूछती थी, मेरी ज़िंदगी में उनकी कभी उतनी ही अहमियत थी जितनी शायद आज मेरे पति के जीवन में शतरंज की। मगर आज इन्हें पैरों में बांधते वक्त मेरे हाथ कांपने लगे। एक अजीब सा डर मन में छा गया, क्या मेरे घुंघरुओं की छमछम, उनकी खनक उन्हें जीत पाएगी? क्या वो मेरी तरफ देखेंगे, खुश होंगे? क्या उनके दिल पर कोई असर होगा? खैर, असर तो हुआ। वो मेरा हाथ थामकर मुझे बाहर लिविंग रूम में ले आए। कुछ कहा भी नहीं, लेकिन उनकी नज़र ने मेरे नृत्य की दाद दी थी। वो खुश लग रहे थे, उनकी आंखों से मोहब्बत छलक रही थी, पर फिर भी मन में एक अजीब सा डर था, पता नहीं क्यों। चंदन साबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष ना देना, जग वालों मुझे दोष ना देना, जग वालों हो जाऊं अगर मैं। ये क्या कर रहे हैं आप? डोंट स्टॉप मी, प्लीज डोंट स्टॉप मी। Mm-hmm.
ये घुंघरू डांसरों के लिए भगवान होते हैं ना, सब इसकी पूजा करते हैं। तुम भी करती हो ना, है ना? तुम इसकी पूजा क्यों करती हो? तुम्हारा भगवान तो मैं हूं, तुम्हारा भगवान मैं हूं। हाँ, तुम्हारा भगवान मैं हूं। शादी के बाद पति भगवान होता है, 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 शादी के बाद पति भगवान होता है। शादी के बाद पति भगवान। ला 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 जिंदगी कुछ ऐसी ही चलती रही, पर दिन में विराट बिल्कुल नॉर्मल रहते। इसलिए बहुत दिनों के बाद जब मेरे कॉलेज का एक पुराना दोस्त निशांत मुझसे मिलने आया, तब उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। निशांत, तुम आदमी बहुत दिलचस्प हो। क्या क्या हुआ? तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। इसलिए तो कॉलेज में इतनी सारी लड़कियां मरती थी इस पर। अच्छा, सभी मरती थी एक तुम्हें छोड़कर। निशांत, तुम माया को कैसे जानते हो और क्यों जानते हो? जी सर, कोई तो पॉइंट होगा जब तुम दोनों मिले थे। हाँ, ओके। मिस यूनिवर्सिटी बनी थी ये, तब पहली बार देखा था इसे, सोचा कि इतनी खूबसूरत लड़की से तो पहचान होनी ही चाहिए, और तब मैंने ठान ली, खुद जाकर इंट्रो दिया था मैंने, तब से हो गई दोस्ती। मिस्टर मल्होत्रा, आपको तब देखना चाहिए था इसे, बिल्कुल राजकुमारी लगती थी, पर अब थोड़ा सा रंग उतर गया इसके चेहरे का, पर इन दोज डेज शी वॉज अ बॉम्ब। कभी बताया नहीं तुमने मुझे इस बारे में माया? अब इसमें बताने लायक कौन सी पुरानी पुरानी फोटोज भी नहीं दिखाई क्यों? वो जाओ, निशांत के लिए चाय लेकर आओ।
निशांत के लिए चाय लेकर आओ। नहीं मिस्टर मल्होत्रा, इट्स परफेक्टली ओके। इट्स नॉट ओके, पहली बार आए हो, चाय तो पीनी ही पड़ेगी निशांत तुम्हें। हाँ, ओनली इफ यू इंसिस्ट। जाओ ले आओ। निशांत, मेरी बीवी में प्रॉब्लम क्या है? जी सर। नहीं, तुमने कहा उसे उस वक्त देखना चाहिए था, क्या? वैसे प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। नहीं, आई मीन उसका सीना कैसा लगता है? मिस्टर मल्होत्रा, पहले भारी हुआ करता था। मिस्टर मल्होत्रा, आपने बहुत सीरियसली ले लिया मेरी बात को। हाँ, सीरियसली ले लिया। तो मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मैंने इसे मजाक नहीं समझा। मेरे कुछ सवालों का जवाब दोगे? बोलो। सवाल? माया की कमर देखी? जी। लचकाती बलखाती वो पतली कमर, हाथ हाथ घुमाया कभी? मिस्टर मल्होत्रा प्लीज। कमर के नीचे का हिस्सा देखा है माया का? मिस्टर मल्होत्रा, आप अपनी पत्नी के बारे में इस तरह? मैं तो अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बातें कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो दूसरे की पत्नी के बारे में बेझिझक कुछ भी। देखिए, अगर आपको मेरे किसी मजाक का बुरा लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी। माया की जांघें देखी? आई मीन सुडौल, भारी देखिए, भारी। जब तुमने कुछ देखा नहीं माया माया का, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि उसका रंग उतर गया? कैसे? बोलो बोलो ना। मुझे लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए। हाँ हाँ, कॉफी आ रही है, चाय आ रही है। आप अगर ऐसी बातें करेंगे तो I'm sorry. Oh my God, कभी कभार मैं कुछ ज्यादा ही बोल जाता हूँ। क्या है कि दिमाग की बीमारी है मुझे शायद, आई बिलीव सो। ये माया अभी तक आई नहीं चाय लेकर, मैं देख कर आता हूँ। आई एम सॉरी, ओके, आई एम सॉरी, मैं अभी आया। बहुत खूबसूरत लग रही हो। ठीक है, चाय किसके लिए? वो निशान उसके लिए। उसको चाय नहीं चाहिए, छोड़ो। लेकिन उसको चाय नहीं चाहिए रानी, मैं जानता हूं उसको क्या चाहिए। लाओ, दो दो। ये आपको क्या हुआ? इतना क्यों बोलती हो? हाँ रानी, क्यों बोलती हो इतना? आओ, चलो बाहर चलते हैं। आओ, आओ। लव यू बेबी। निशांत, जस्ट लुक एट हर। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। देखने दो निशांत, देखना चाहता है। मिस्टर मल्होत्रा, हाथ हटाओ ना, वो देखना चाहता है। What's wrong with you? किस किस्म के इंसान हैं आप? तुम ही देखना चाहते थे ना कि शादी के बाद माया का रंग कैसा हुआ? छोड़ो। इस कमीने के कहने का मतलब ये था कि मैं मेरी रानी को सेटिस्फाई कर सकता हूं या नहीं। आओ इसे बताते हैं कि आज मैं तुम्हें कैसे सेटिस्फाई करता हूं। नहीं, प्लीज। साथ में आओ। मिस्टर मल्होत्रा, छोड़ दीजिए उसे। लीव हर। आई सेड लीव हर। क्या रे? मैं से बोलो कि मियां बीवी के बीच दखल अंदाजी ना करे। निशान, तुम जाओ यहाँ से। जाने के लिए किसने बोला? इधर ही खड़े रहेगा मैं तो, इधर ही खड़े रहेगा तेरे सामने। I will make love to her. Wait and watch. कपड़े तार, कपड़े तार, दार कपड़े, दार कपड़े। तुम हदों का पार कर रहे हो। रे चल रे। निशान। इधर आ, इधर आ। कहीं की घुंघरू बांधने वाली पुराने यार को बुलाएगी, मेरे घर को कोठा बनाएगी, तो नजदीक खड़े रह। इधर आ,
मस्ती है सनी घुंघरू पहन के। चुप, हाथ नीचे ले, हाथ नीचे ले, चुप चुप। क्या रे, क्या तू बॉयफ्रेंड बुलाती है मेरे घर को? बॉडी बिल्डर चाहिए तेरे को? विराट मल्होत्रा को अस्पताल में दाखिल करने के लिए भी बेचारे निशांत ने ही मेरी मदद की। और कितने दिनों के लिए तुम्हारे पति को अस्पताल में रहना होगा? कम से कम 8 दिन। तो तब तक मैं यही रहना चाहूंगा माया। निशांत? हाँ माया, जब तक तुम्हारे पति अस्पताल से ठीक होकर नहीं आ जाते मैं यही रहना चाहता हूँ। देखो माया, मुझे उस आदमी को इत्मीनान से बिठाकर कुछ बातें समझानी होंगी, और अगर वो नहीं समझेगा तो मुझे दूसरे तरीके अपनाने होंगे, जो कि मैं अपनाऊंगा जरूर। क्यों निशांत, तुम्हें क्या लगता है माया, मैं यूं ही छोड़ दूंगा तुम्हें इस राक्षस के पास? निशांत, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है माया, मुझे जरूरत है। मैं संभालूंगी अपने आप को, प्लीज यहां से जाओ प्लीज। माया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, ओके? ठीक है, रहो तुम यहां पर। क्या करोगे 8 दिनों तक? मैं अपनी नॉवेल लिखूंगा। हाथ में प्लास्टर लेके लिखोगे? सो व्हाट माया, मुझे तो सिर्फ डिक्टेट करना है। लिखोगे तो तुम? मैं? हाँ तुम माया, क्या अपने दोस्त की इतनी भी मदद नहीं कर सकती? कर तो सकती हूँ। संध्या खूबसूरत थी और ये बात वो जानती थी, शायद इसलिए उदास रहती थी। पता नहीं क्यों, पर खूबसूरत चेहरों के साथ उदासी हमेशा जुड़ी रहती है। कभी कभी तो इन चेहरों को देखकर यूं लगता है कि कहीं ये उदासी तो नहीं जो उनकी खूबसूरती का एहसास दिलाती है। वाह, कितनी गहरी बात कह दी तुमने निशांत। ख्याल खूबसूरत होने से जिंदगी तो खूबसूरत नहीं हो जाती ना माया। संध्या के दुखों को खूबसूरत नहीं कहा जा सकता। संध्या को अपने बहुत करीब महसूस करते थे निशांत। तुम्हें अजीब लगता होगा ना माया, संध्या काल्पनिक होने के बावजूद मेरे इतने करीब है। मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लगता। इनफैक्ट एक राइटर होने के नाते तुम्हें कैरेक्टर के करीब ही होना चाहिए। ये संध्या इतनी उदास क्यों थी निशांत? बताता हूँ, लिखो। संध्या की माँ बचपन में ही जल बसी और उसके पिताजी ने जल्दबाजी में आकर दूसरी शादी कर ली, ये मानकर कि दुनिया की हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती। और ये ठीक भी था, संध्या की सौतेली माँ वाकई में एक अच्छी औरत थी। पर जब उसके खुद की बेटी पैदा हुई तब सब बदल गया। वो जल्द ये बात समझ गई कि संध्या की सौतेली बहन किसी भी मामले में उसकी बराबरी नहीं कर सकती, खासकर उसकी खूबसूरती से। देखते ही देखते संध्या अपने घर में एक नौकरानी बनकर रह गई। वो गालियां खाती, ताने सुनती, मार भी खाती, फिर भी घर के सारे काम करती। मुंह से उफ तक नहीं निकलता, वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। सोचती कि कभी तो एक सफेद घोड़े पे सवार उसके सपनों का राजकुमार आएगा, और वो आया। सफेद घोड़े पे सवार, वायलिन बजाता हुआ वो आया। जब से देखा है तुझे ऐ जान जान, जब से देखा है तुझे ऐ जान जान,
जैसे मुझको मिल गया सारा जहां, हो जैसे मुझको मिल गया सारा जहां। गई देखो फिजा में मस्तियां, जाने मन ये दिल दीवाना हो गया। हाय छा गई देखो फिजा में मस्तियां, जाने मन ये दिल दीवाना हो गया। मुझको ये मौसम जवा लगने लगा, चाहतों का रंग दिल में भर गया, चाहतों का रंग दिल में भर गया। दिल में एक तूफान उठने लगा, दिल में एक तूफान सा उठने लगा। देख कर तेरी अदाएं शोखियां, हाँ देख कर तेरी अदाएं शोखियां। अब तो जुदा होंगे न हम, जीते जी अब तो जुदा होंगे न हम। देखा है तुझे ऐ जान जान, जब से देखा है तुझे ऐ जान जान।
ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। क्या क्या नहीं हो सकता माया? आई मीन संध्या इतनी जल्दी इस बात के लिए कैसे राजी हो सकती है? व्हाट डू यू मीन? निशांत, वो डेविड को इस कदर आगे बढ़ने ही नहीं दे सकती। माया, राइटर मैं हूँ या तुम? देखो, होगे तुम राइटर, मगर मैं एक औरत हूँ। शायद मैं संध्या को तुमसे बेहतर समझने लगी हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता माया। ऐसा हुआ है निशांत, बिलीव मी। शायद मैं संध्या में खुद को देखने लगी हूँ। और डेविड की जगह किसे देख रही हो माया? डेविड की जगह किसे देख रही हो तुम? तुम्हें माया। माया, माया, आज मैं तुमसे वो बात कह देना चाहता हूं जो पहले कभी ना कह सका। माया, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता आया हूं माया, कॉलेज के दिनों से। आई लव यू माया, आई रियली 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 लव यू माया। नहीं निशांत, दिस इज नॉट राइट। माया, माया, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। मे बी इट्स नॉट राइट, लेकिन अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं माया। आई लव यू माया, आई रियली 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 लव यू माया। सफेद घोड़े पर सवार होकर राजकुमार आएगा और उसे ले जाएगा। सफेद घोड़े पे सवार राजकुमार, राजकुमार सफेद घोड़ा। राजा, माय राजा, आई मिस्ड यू राजा, आई मिस्ड यू माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। Oh.
सॉरी। गलती हो गई, गलत वक्त पर आ गया। क्या करूं, डॉक्टर ने दो दिन पहले ही छोड़ दिया। माया डॉक्टर ने कहा है कि आई एम ओके, नो प्रॉब्लम, बीपी ठीक है, हेड इंजरी भी ऑल राइट, दवाइयां लिख के दी हैं। सोचा था कि तुमसे मंगवाऊंगा, लेकिन अब तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद ले आऊंगा। दरवाजा तो बंद कर लेना चाहिए था, भूल ही जाता हूँ कि ऐसे वक्त पे ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई। चलता हूँ मैं, रात में आता हूँ। अच्छा निशांत, मैं चलता हूँ, तुम जाना नहीं, तुमसे कुछ बात करनी, जाना नहीं, माया से जाने नहीं देना प्लीज। इसके बाद तो कोई एंट्री नहीं है सुधीर, माया का क्या हुआ होगा? God knows. क्या वो निशांत के साथ भाग गई होगी? How do I know वर्षा? वर्षा वो विराट वापस आया होगा क्या? वर्षा we should leave. हमें सब नहीं सोचना चाहिए। But सुधीर, माया का क्या हुआ होगा? सुधीर, हेलो। तो बोलो सुधीर, विराट मल्होत्रा बोल रहा हूँ। कमरे में छानबीन करने की कोशिश की होगी तुमने, माया की लाश मिली होगी, पुलिस में जाने की सोच रहे होगे। डोंट इवन थिंक ऑफ इट, सोचना भी मत, फंस जाओगे। तुम्हारी बीवी ने जिस एग्रीमेंट पर साइन किया है उस पर 3 महीने पहले की तारीख है। माया की मौत 1 महीने पहले हुई है और एग्रीमेंट पर सिग्नेचर्स मेरे नहीं, माया के ही है। समझ गए ना किस मुसीबत में फंस गए हो तुम? हाँ, अब एक ही चीज कर सकते हो तुम, लाश को ठिकाने लगा दो। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। गुड बाय, गुड नाइट। बट सुधीर, वर्षा कोई चारा नहीं है हमारे पास, वी हैव टू डू इट। वर्षा संभल के, संभल के वर्षा। सुधीर मैं भी चलूं क्या साथ? नो, आई एम गोइंग अलोन, यू कांट, प्लीज सुधीर। नो वर्षा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। तुम और एक बात का ख्याल रखना, तुम किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलोगे, और मैं जब आऊंगा और 3 घंटियां बजाऊंगा, समझे? यू विल नॉट पिक अप एनीबडीज कॉल। आई एम कमिंग।
डरो नहीं वर्षा, मैं तुम्हें दुख देने या तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं आई हूं। जिंदगी ने हम दोनों को नहीं मिलाया तो ना सही, लेकिन मरने के बाद तुम किसी को जान सकते हो, किसी को अपना बना सकते हो। ये मैंने तब महसूस किया जब तुमको मेरी डायरी मिली। तुम मेरी सारी अंदरूनी तकलीफों को जानती हो वर्षा, जो शायद निशांत भी नहीं जानता। शायद इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने आई हूं। मेरी मदद करो वर्षा, मुझे बदला चाहिए विराट मल्होत्रा से। मुझे बदला चाहिए वर्षा, और उसके लिए तुम्हें तुम्हारे पति को मनाना होगा, तुम्हारे पति को उसके साथ चेस खेलना होगा। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा दूर नहीं है वर्षा। तुम्हारे पति हैं, सुधीर माया आई है यहाँ। क्या माया? कहाँ है माया? कहाँ है? कहाँ है माया? वर्षा, वर्षा, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। वर्षा अब हम 4-5 दिन के लिए यहाँ से कहीं चलते हैं, ओके? जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। मैं सुधीर, सुधीर, सुधीर। भरी वो रातें, ओ संग संग की वो
बिन चैन ना आए, तुझ बिन चैन ना आए, 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 रूठी है तन्हाई। ओ, मैं तड़पी हूँ लेकिन तुझको मेरी याद न आई, मेरी याद न आई। चारों तरफ से घेरे हुए हैं मुझको मेरे ही साए, प्यार तेरा बिन चैन ना आए, रह गई अपनी चाह अधूरी, रह गई अपनी चाह अधूरी, प्यार तेरा तड़पाए, तुझ बिन चैन बिन चैन ना आए, तुझ बिन चैन ना आए, आए, कौन है आप? यहाँ वालन क्यों बजाते हैं? क्यों, आपको एतराज है कोई? नहीं, वो मैं बस। आप कौन है और यहाँ किस लिए आई है? मैं किसी को ढूंढ रही थी, एक लड़की है माया। क्या नाम बताया आपने? माया? माया मल्होत्रा इसी बिल्डिंग में रहती थी, 601 में। माया मर चुकी है, मर चुकी है वो। मेरी माया मर चुकी है। आपकी माया? कहीं आप निशांत? मगर आप? मैं वर्षा हूँ, उसी घर में रहती हूँ 601 में। और माया मुझसे मिलती है, उसकी रूह मुझसे बातें करती है, आप तक भी मुझे वही खींच कर लाई है। और माया बदला चाहती है। किससे?
विराट मल्होत्रा से। विराट मल्होत्रा से? हाँ। क्या जानती हैं आप उसके बारे में? ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ आप और माया उस कमरे में एक दूसरे के आगोश में थे। हाँ, 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 वो ये कहकर चला गया कि वो रात को लौटेगा और वो लौटा कि नहीं पता नहीं। वो लौट कर आया। हाँ? हाँ? उसी रात। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नाजायज संबंध, नई बात नहीं है, होता है, happens। क्या करें। आदि मानो तो नहीं है हम निशान, जो आपस में लड़े, जो जीत गया लड़की उसकी नहीं, लेकिन फिर भी कोई हल तो निकालना ही होगा। देखो भाई, ऐसा नहीं चल सकता, राइट? तुम्हें चेस खेलना आता है क्या? अगर आता है तो एक बाजी खेल लो, जीत गए तो माया तुम्हारी, चला जाऊंगा तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए, इतनी दूर चला जाऊंगा कि अगर चाहोगी भी तो वापस नहीं लौट सकता। और क्या, फिर माया तुम्हारी, ये घर तुम्हारा, जानते हो निशांत, ये घर मैंने माया के नाम कर दिया है। आप लोगों का संबंध नाजायज हुआ तो क्या हुआ, संसार तो बस जाएगा, मैं चला जाऊंगा बहुत दूर, आई प्रॉमिस चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने बाजी जीती निशांत, माया तो मेरी रहेगी, लेकिन हां, तुम्हारी सजा वही होगी जो तुमने मुझे दी है। ऐसे क्या देख रहे हो निशांत, जैसे कि कुछ जानते ही नहीं। बहुत तकलीफ पहुंचाई है तुमने मुझे, अपनी बीवी को किसी गैर की बाहों में देखना, वो भी नंगी। सांप को कभी ऐसे सेक्स करते हुए देखा है निशांत? ठीक उसी तरह लिपटी हुई थी ये तुम्हारे नंगे पतन से। निशांत, तुम माया से प्यार करते हो तो तुम्हें ये झेलना होगा। अगर तुम हार गए तो एक कोने में बैठोगे और तुम्हारे सामने मैं तुम्हारी माशुका माया के साथ संभोग करूंगा। मुझे मंजूर नहीं मिस्टर मल्होत्रा। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है निशांत, सोच लो, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है निशांत। अपनी बीवी को तलाक तो मैं कभी नहीं दूंगा। अगर तुम सोच रहे हो कि मेरी बीवी को लेकर कहीं दूर भाग जाओगे तो भूल जाओ, ढूंढ लूंगा, ढूंढ कर काट डालूंगा तुम दोनों को। जानते हो, थोड़ा सा पागल जो, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम दोनों के, कुछ भी कर सकता हूं। खेलो ना, जीत भी सकते हो, करना कुछ नहीं, 10 चालें चलनी है और 10 चालें चलने से पहले अगर तुमने मुझे चेकमेट कर दिया तो माया तुम्हारी। सोच लो कितनी आसानी से माया तुम्हारी हो सकती है, कितनी आसानी से।
खेलोगे खेलोगे। चलो एक दिन का वक्त देता हूं मैं, सोच लो, सोच के बताओ मुझे, सोच लो। जिंदगी का सवाल है, जिंदगी जिंदगी। मैं खेलूंगा माया। लेकिन निशांत। लेकिन क्या, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं। मैडनेस हैज टू बी डेल्ट विद मैडनेस। लोहा ही लोहे को काटता है। सो जस्ट रिलैक्स, ओके? वी हैव नथिंग टू लूज। ये तुम कैसे कह सकते हो निशांत? देखो माया, अगर मैं जीता तो मैं जीता, लेकिन अगर मैं कहीं हार गया तो किसी भी हाल में उसे वो नहीं करने दूंगा जो करने की वो सोच रहा है। और प्लीज अब ये मत कहना कि इट्स नॉट फेयर। मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। बट निशांत। नो बट्स माया, प्लीज। और वैसे भी तुम्हारे सपनों का राजकुमार बनने के लिए मुझे कोई ना कोई इम्तिहान तो देना ही होगा ना। चलने से पहले खिलाड़ी को मुझे चेकमेट करना था। 3 चाले बाकी है, खिलाड़ी सोच में है। सोच में क्यों है भाई? डिवोर्स पेपर पर दस्तखत भी तो मिलेगा, मलाई भी तो खानी है। चल चलो। चलिए चलिए। चेक मैं निशांत, अब तुम बैठ कर देखो, मैं तुम्हारी माशुका के साथ तुम्हारे सामने मल्होत्रा करता। मैं ये होने नहीं दूंगा मल्होत्रा। La 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 la. Please tell him no. Please tell him. Tell him. Tell him again. I said tell him. Please tell him. Please tell him. Please tell this man. Bloody tell him. ये मेरे घर में आके मेरी बीवी के साथ सोता है। बोलो ना इस कमीने को यार, बोला
इधर आ, बोलना, बोल रहा है, सुन रहा है, साला क्या बोलती है ये? उसने बंदूक दिखाकर वही किया जो उसे करना था। निशांत, पर आप उसे कम से कम रोक तो सकते थे। कुछ नहीं कर सका मैं। ये बात कितनी सच है कि जिसके हाथ में बंदूक होती है वो ताकतवर से ताकतवर इंसान को तिगड़ी का नाच नचा देता है। मेरे साथ भी यही हुआ। बंदूक की तान पर उसने माया के हाथों मुझे बदवा दिया और फिर मैं अपनी माया का अपमान होते नहीं देख सकता था। मैंने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और Not fair. मर्दों वाली बात नहीं है निशांत। तुम अपने वादे से मुकर रहे हो निशांत, अपने वादे से। आंखें खोलो निशांत, आंखें खोलो और देखो तुम्हारी माशुका माया मेरी बाहों में कैसी लग रही है। आंखें खोलो निशांत, देखो ना, आंखें खोलो निशांत, नहीं तो मैं तुम्हारी माया को शूट कर दूंगा। एंड आई ब्लडी मीन इट। एक, दो, तीन, चार चुप। गोली अभी मटके में मारी है लेकिन दूसरी गोली बजो। सो रिलैक्स माया, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। चलो निशान के सामने शुरू हो जाते हैं। माया, गन पकड़ना मेरी। होल्ड द गन, पकड़ो ना। माया, मिस्टर मल्होत्रा, आप मेरे पति हैं लेकिन आप ही ने मुझे मजबूर किया ऐसी हरकत करने पे। आपने, वरना दुनिया की बच्चलन से भी बच्चलन औरत अपनी ही सुहाग को निशाना बनाने से पहले 10 बार सोचेगी। तुमने सोच लिया? हाँ, सोच लिया। क्या करोगी तुम? निशांत को छोड़ दो। निशांत को नहीं छोड़ूंगा। माया, शूट हिम। शूट मी। आओ मारो। या शूट हिम माया। माया मारो ना। माया मारो। हाथ क्यों कांप रहे हैं माया? मारो ना, प्लीज शूट मी। माया, किल हिम प्लीज। माया, मैं जानता हूँ तू मुझे प्यार करती हो, तू मुझे नहीं मार सकती। माया, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, तू मुझे नहीं मारोगी। यू कांट किल मी माया, तू मुझे नहीं मार सकती। माया, तू मुझे नहीं। पागल है, पागल लिख लिए तो। अरे, इतनी छोटी सी बात पे कोई अपने आप को गोली मार देता है क्या? हाँ, क्यों माया? हाँ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा हुआ। तुम्हें क्या लगता है निशांत? हाँ, यू आर अ
अरे मुझे क्यों गाली दे रहे हो? आत्महत्या उसने की है, मैंने नहीं की है। आत्महत्या नहीं, खून हुआ उसका। तूने क्या उसका खून? रोज थोड़ा थोड़ा मारा उसे तूने। न जाने कितनी ऐसी मौतें मरी है मेरी माया। उस हर खून का हिसाब देना होगा तुझे मल्होत्रा, हर खून का। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मल्होत्रा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कमाल है, बीवी मेरी मरी है, दर्द तुम्हें हो रहा है, क्यों? और सुनो, ये तुम क्या बदले बदले की बातें कर रहे हो? कोई फायदा नहीं उससे। मैं माया के बिना जी नहीं सकता हूं, जानते हो? मैं माया से बहुत प्यार करता हूं, साबित कर सकता हूं, साबित करूं? मैं माया से बहुत प्यार करता हूं, 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 साबित कर सकता हूं। इसका मतलब मल्होत्रा मर चुका है। मर चुका है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। लेकिन वो जो आदमी जिसने हमें घर दिखाया वापस आ चुका है। मतलब? मैं समझ सकता हूं वो क्या चाहता है। बड़ी घिनौनी रूह है। मरने के बाद मेरे सामने वो अपने शरीर से अलग हुआ, माया की लाश को उठाकर कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया और मेरे हाथ खोलकर मेरे ही सामने गायब हो गया। बेचारी माया, आज भी उसकी रूह उस कमरे में भटकती है। उसकी रूह के साथ विराट बार बार शतरंज खेलता है और उसे हराकर उसकी लाश के साथ संभोग करता है। What? लेकिन अब उसे माया की जरूरत नहीं रही क्योंकि उसने वर्षा को देख लिया। What do you mean? अब विराट वर्षा को भी अपनी दुनिया में लाने की कोशिश करेगा। मैं नहीं, माया कहती है। माया मुझसे भी बातें करती है। अब विराट तुम्हें भी चुनौती देगा शतरंज खेलने के लिए और तुम्हें उसके साथ खेलना होगा और जीतना भी होगा। वर्षा को बचाने का अब यही एक मौका है क्योंकि रूहों की ताकत के सामने इंसान की ताकत बहुत फीकी पड़ जाती है। अब मैं सही मायने में जानता हूं कि माया क्या चाहती है। गुड बाय। ईशान, सुधीर, सुधीर, विराट मल्होत्रा, इसका नंबर मेरे मोबाइल में किसने फीड किया? मुझे नहीं पता। और उसके पास ये नंबर? विराट मल्होत्रा? हाँ, मैं। पूछते तो मैं सारी कहानी खुद बता देता। अच्छा हुआ तुम खुद जान गए। Now you know what to do next, सुधीर। मैं जान गया हूं तू क्या चाहता है। Very good. और मैं अपनी बीवी को दांव पे लगाने के लिए तैयार हूं। That's like a good boy. मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए खुले। कल सुबह मैं तेरे साथ शतरंज खेलूंगा। Be prepared. सुधीर,
सुधीर चलो। सुधीर तुम्हारी चाल है, चल चलो। हेलो विराट मल्होत्रा, मुझे देखकर अवाक रह गए तुम? बहुत समय के बाद। क्या चाहते हो? एक बाजी। दाव पर क्या लगा है? माया। नॉट इंटरेस्टेड। तूने माया को नहीं देखा है विराट, उसकी रूह को एक नजर देखेगा ना तो नजरें हटेंगी नहीं तेरी। माया सॉरी निशांत, यू आर लेट। हमारी बाजी शुरू हो चुकी है। अफसोस, शतरंज दो लोगों के बीच ही खेली जाती है। गलत मिस्टर मल्होत्रा, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब दो रूहें और दो जिस्म खेल रहे होते हैं तो शतरंज चार लोगों में भी खेला जा सकता है। मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा लगा। कुछ तो है जो तेरे समझ के परे है। मैं समझाता हूं। शरीर और आत्मा को अलग करने की ताकत सिर्फ हम रूहों को ही है। इसमें नया क्या है? हाँ? अपने इस ताकत को इस्तेमाल कर विराट, तेरा दिमाग तेरी आत्मा सुधीर के साथ चेस खेलेगी और तेरा शरीर मेरे साथ। इससे होगा क्या? बड़ी सरल सी बात है विराट, अ सिंपल साइंटिफिक फैक्ट। तेरा शरीर तेरे दिमाग तेरे मन की बात सुनता है। तेरे दिमाग के एक इशारे पर तेरे हाथ चलते हैं, तेरे पांव चलते हैं, बल्कि सारी फिजिकल एक्टिविटीज तेरे दिमाग के इशारे पर चलती है। तुम कहना क्या चाहते हो निशांत? यही कि हमारे जिस्मों के बीच का मुकाबला शतरंज के इस बाजी से जुड़ा रहेगा। अगर सुधीर ने तुम्हारा एक मोहरा लिया तो हमारे मुकाबले में मैं हावी रहूंगा, और अगर तुम्हारे दिमाग ने सुधीर का मोहरा लिया तो तुम मुझ पर हावी रहोगे। अगर तुम जीत गए विराट तो माया तुम्हारी, वर्षा भी तुम्हारी। लेकिन जो कोई भी हारा उसे अपनी भूत की योनि को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। बोल, खेलता है? खेलूंगा। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर मल्होत्रा। चलो। Huh?
चेकमेट मिस्टर मल्होत्रा। यू हैव लॉस्ट द गेम।